वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ज्ञान। गाइस अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो गाइस हम लोग आज जेसीबी का दो जैक खोले थे, तो रॉड में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था, रॉड में स्क्रैच पड़ गया था। तो गाइस अगर रॉड में स्क्रैच पड़ जाए तो कैसे बचा सकते हैं रॉड को, तो हम लोग ये देखेंगे इसका। तो गाइस अगर इसका ये प्रॉब्लम सही करना है, रॉड में स्क्रैच पड़ जाए कैसे उसको सही किया जाता है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रैच पड़ गया था, तो जिसकी वजह से हमारा सील लीकेज करने लग जाता था। तो गाइस अभी इसको हम लोग खोले थे और जो रॉड है उसके ऊपर हम लोग पित्तल का वेल्डिंग करवा दिए थे। तो यहाँ पे पित्तल का वेल्डिंग करवाने के बाद इसको रेती से है पूरा बराबर करेंगे, इसको जो पॉलिश से जैसा बना देंगे, इसको फेस के बराबर कर देंगे। तो गाइस उसके बाद इसको ब्रीक काले रेग मार से भी सफाई करेंगे इसका अच्छे से, ताकि जो सील को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये पूरी तरह से इसके साथ मिल गया है, फेस के साथ पॉलिश जैसा हो गया है। तो भाई ये तो हमारा दाग छोटा है, इससे बड़ा भी हो तो सही हो सकता है, हमारा नुकसान होने से बच सकता है। तो भाई इसको और पॉलिश करने के लिए ब्रीक रेग मार मारेंगे। तो भाई इसको चेक कर लेना, तो ये पूरा मिल गया है इसके साथ, पॉलिश जैसा हो गया है। तो भाई हमारा सील अभी लीकेज नहीं करेगा। तो भाई अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लेना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।